23, that is measures of central tendency, median and mode. बच्चों हमने median के concept को study कर लिया है deeply और mode के concept को study कर लिया है, right? लेकिन जो हमारे पास positional averages हमने की, positional averages में आपको याद होगा कि हमने तीन चीजें की थी. First कौन सी थी? Median, mode and partition values. अब median and mode हम लोग अपना cover up कर चुके हैं. Now today we start with partition values. जो partition values हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरी series जो हमें दी होती है, जिसका हमने average find out करना होता है, central tendency find out करनी होती है, उसको हम कितने parts में split कर रहे हैं. That means अगर पूरी सीरीज को हमने टू इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, अगर हमने पूरी सीरीज को टू इक्वल पार्ट्स में अगर हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो उसको हम कौन सा कंसेप्ट बोलते हैं? मीडियन का कंसेप्ट बोलते हैं. या हमने पढ़ा था कि हम इसको मिड वैल्यू भी बोल देते हैं, ठीक है? यानी कि 50% वैल्यूज हमारी इधर हो जाती है इस तरफ, और मीडियन से जो 50% वैल्यूज हैं हमारी इस तरफ हो जाती हैं. जब हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाती है? मीडियन हो जाती है. इसी तरह से ये हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट था. जो सेकेंड कंसेप्ट स्टूडेंट्स हमारे पास था, वो हमने किया था क्वार्टाइल्स. आपको याद होगा क्वार्टाइल्स में हम क्या करते हैं कि पूरी सीरीज को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट? जैसे हमने ये मिड वैल्यू, ये सेंट्रल वैल्यू हमारे मिड
उसके बाद